बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो है 14 मॉडल GNI पे, टोयोटा पे। इसमें गाड़ी में तो फाट है, कार है कि गाड़ी में थोड़ा सा भारी है, पिक का मस्त है, फ्यूल माइलेज का मस्त है। तो एक तो इसमें ये जो P00 1-2 के शाफ्ट पोजीशन का भी टैग सेंसर का कोड है, बाकी ABS का है। व्हील सर्विस करने से वो तो क्लियर हो जाएंगे, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन जो वी टैग सेंसर और दो तीन चीज़ें चेक करनी होती है, ला गेज ना सर, गेज का रुख इधर कर, यासीन सलफ सलफ हुआ, पिक का और फ्यूल माइलेज में जब भी मस्ता हो, दोनों चीज़ें कॉमन आ जाए तो फ्यूल प्रेशर का बड़ा इसमें वो होता है, सलफ हुआ। ये इसका फ्यूल प्रेशर है, इसको थोड़ा सा इसमें ये पंप का वो है फ्यूल फिल्टर, अगर चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये फ्यूल प्रेशर इसका ठीक हो जाएगा। वी टैग सेंसर का मसला है, वी टैग सेंसर जब भी चेंज करते हैं, 2NZ के वी टैग सेंसर के नीचे एक LK वाला बोल्ट होता है जिसमें फिल्टर लगा होता है, यहाँ पे साथ इसको कैच में, यहाँ जनरेटर की ये बेल्ट को उतार के जनरेटर को पीछे करके LK वाला खोलना पड़ता है, साथ इसमें फिल्टर है, फिल्टर को लाजमी सर्विस कर दिया करें और साथ इसका वी टैग सर्विस करके लगाएं या चेंज करके लगाएं, चेक कर दिया करें, ठीक है। तो ये इसमें एक तो फोर्ड और GST का मसला है और टेक्स का मजीद, इसके भी ये ट्यूनिंग सारी खोल के साथ फुल ट्यूनिंग करेंगे, फ्यूल फिल्टर खोलेंगे, प्लग खोलेंगे, स्टार्टर खोलेंगे, वी टैग सेंसर गेल भी सर्विस करेंगे, इसमें एयर फ्लोर सेंसर वगैरह, एयर ऑक्सीजन सेंसर सर्विस करेंगे और कैट इसका चेक करेंगे, साथ कैट विद कैमरा पा के चेक कर सकते हैं। तो ये प्लग खोलें, इसमें रिडीम प्लग डाला हुआ है और इसमें तो वैसे NGK का अपना अगर प्लग डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है, हम तो वैसे चेंज कर लेते हैं, NGK के अपने प्लग डालते हैं 11 नंबर वाले। और ये इसका वी टैग सेंसर है जिसका ये बोर्ड आ रहा था, फ्यूल पंप ये है इसका, और ये इसके फ्यूल फिल्टर की कंडीशन है, ये देख, ये इसको हम फ्यूल फिल्टर दूसरा टोयोटा का लगा रहे हैं, इसको सर्विस करेंगे, प्लग इसके चेंज करेंगे। और दूसरी जो वी टैग सेंसर चेंज आप करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये फिल्टर लगा होता है, इसको लाजमी खोल के सर्विस कर दिया करें। इस फिल्टर को मैं निकालता हूँ, ये इसका LK वाला इसका लगा होता है नोटिस के ऊपर, 8 नंबर LK का, दो ग्लास को वाला माल दो बॉल तक के लिए, ये यहाँ पे इसका फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर इसका लगा हुआ है, और ये इसके अब इस फिल्टर की पोजीशन आप देखें, वीटैक सेंसर ख़राब होने की वजह उसको ऑयल ना मिले तो इस वजह से ख़राब हो जाते हैं, और अगर ये चौक हो तो फिर भी सेंसर काम नहीं करेंगे। तो अभी इसको मैं सर्विस करके वीटैक दूसरा लगाऊंगा, क्योंकि गाड़ी ये आई है दूर से, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते कि इसको अपना वीटैक पुराना सेंसर लगाएं, वीटैक में इसको दूसरा लगाऊंगा, लेकिन ये फ़िल्टर का सर्विस करना लाजमी होता है, ये चीज़ें इसकी इस वक्त हुआ है। एथराटर में भी ये बहुत ज़्यादा कार्बन है, EFI गाड़ी के एथराटर में इतना कार्बन नहीं होना चाहिए, इसको भी अभी सर्विस कर लेंगे, सर्विस वगैरह कर ये चीज़ें सर्विस करें, गाड़ी की पिक ठीक, फ्यूल माइलेज भी ठीक गाड़ी में, और रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। ये इसके प्लग हैं जी, इसमें प्लग का नंबर चेक कर लें, BKR6E11, ये इसमें डाला करें, ये इसके प्लग होता है रेडियम प्लग, इसमें नहीं है, और ये इसका मैंने फिल्टर सर्विस कर दिया, स्टार्टर भी सर्विस कर दिया, और इसको फ्यूल फिल्टर दूसरा डालते हैं। ये इसका जब फिल्टर चढ़ाते हैं हीट गन के साथ, पाइप को थोड़ा दूर रख के हीट देना पड़ता है, जहाँ पर ये LPC मैजिक लगा के ताकि का जोड़ लीक ना करें।
जिस फिल्टर की फिटिंग हो गई है साची। ये भी टैक इसको मैं अभी ये दूसरा लगा रहा हूँ, ये भी टैक इसका पुराना भी टैक ये पड़ा हुआ है और दूसरा ये भी टैक मैं इसको फिट कर रहा हूँ। इसमें ये ट्विन जेड का अपना भी टैक अपने मॉडल वाला ये गाड़ी अब इसकी स्टार्ट हो गई है, बाकी में तकरीबन सारी चीज़ें ठीक हैं। एक इसको हम लर्निंग कर लेते हैं थ्रॉटर की, क्योंकि थ्रॉटर हमने सर्विस किया तो उसको उसकी लर्निंग कर लेते हैं। आरपीएम का कोई मसला इशू ना पैदा हो बाद में गाड़ी में। इंजन में सिलेक्ट किया नॉर्मल है, एक्सेसिंग टेस्ट में हम चले जाएंगे और ये टीसी स्ट्रीम जो हम इसको ऑन करेंगे तो चेक चेक लाइट ब्लिंक करेगी। तो ये आगे स्कॉर्पियो मार्केट डाउन अपनी जगह पे, दोबारा हम इसको ऑफ कर लेते हैं, ब्लिंक ख़त्म हो गई, ऑन करेंगे चेक इंजन लाइट दोबारा ब्लिंक करके आरपीएम ऊपर जाएगा और वापस ये आरपीएम डाउन कर, ये इसकी लर्निंग होगी। इसी तरह दो तीन दफ़ा बस इसको ऑन ऑफ करके लर्निंग मुकम्मल कर देनी है और उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी आप ड्राइव करें वो करें चेक करें गाड़ी में इंशाल्लाह कोई मसला इस तरह नहीं आएगा। तो ये थी आज इसकी छोटी एक वीडियो जो जे लाई के लिए जिसका पिक था गाड़ी महसूस होता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस तक के लिए इजाज़त, और के लिए अल्लाह हाफिज़।